गदर 2 के ऐतिहासिक कामयाबी के बाद सनी देओल को लेकर नई फिल्म अनाउंस हुई है। खास बात यह है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान होंगे और निर्देशन की बागडोर राजकुमार संतोषी के हाथों होगी। फिल्म का नाम है लाहौर 1947। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म को लेकर भारी उत्सुकता है और दर्शकों को इस मूवी का इंतजार अभी से शुरू हो गया है, क्योंकि फिल्म से कई बड़े नाम जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी ने घायल, घातक और दामिनी जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। इसके बाद यह जोड़ी टूट गई। आमिर खान फिर भी इस जोड़ी को साथ लेकर आए हैं। वहीं आमिर और सनी देओल सदा बॉक्स ऑफिस पर टक्कर लेते आए हैं। 1990 में दोनों के घायल और 1996 में राजा हिंदुस्तानी और घातक तथा 2001 में लगान और गदर एक ही दिन रिलीज हुई थी। कमाल की बात यह है कि इस टक्कर में दोनों की फिल्में ही हिट रही। अब सनी और आमिर ने हाथ मिलाया है, साथ में राजकुमार संतोषी भी हैं। देखना यह है कि लाहौर 1947 बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है।